हेलो स्टूडेंट प्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है तो देखिए इस वीडियो में हम लोग कक्षा आठवीं के लिए जो आपका वर्कशीट मिली है गणित हिंदी माध्यम ठीक है यानी कि जो आपको विषय गणित की वर्कशीट मिली है तो इस वीडियो में इसका सॉल्व देखने वाले हैं इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना साथ में बैलाइकन प्रेस कर लेना क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक एक से यदि आप हिंदी की वर्कशीट देखना चाहते हैं उसका फुल सॉल्यूशन मिलेगा मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए या फिर यहां पर देखिए आई बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए ठीक है आपको हिंदी का मिल जाएगा सॉल्व। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक एक तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प छाटिए तो पहला विकल्प था आपका माइनस वन प्राप्त करने के लिए माइनस पाँच बटे चार में क्या जोड़ना चाहिए तो एक बटे चार जोड़ना चाहिए इसका सही आंसर था इसके बाद में सेकंड जो आकृति दी गई है तो यहाँ पर आपको उपरोक्त बनी आकृति में सभी अंताकोणों का योगफल बताना है तो तीन इसका आंसर करेक्ट होगा इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक दो जिसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से ए बी सी अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए दिया गया है यहाँ पर बी यहाँ पर सी इनके मान बताना है तो इसका पूरा सॉल्यूशन ये दिया गया है आप आराम से लिख लीजिए इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक तीन तो प्रश्न क्रमांक तीन में भी एक टोकरी में छः सेब हैं जिन पर एक से छः संख्या अंकित हैं यानी कि लिखी हैं यदि एक सेब बिना देखे निकाल निकाला जाए तो संख्या चार वाले सेब की प्रायिकता ज्ञात करना है जिसका आंसर ये रहा ठीक है इसका पूरा सॉल्व है आप इसको लिख लीजिए इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक चार तो प्रश्न क्रमांक चार में देखिए क्या पूछा गया है रवि राजू तथा राय में तीन सौ साठ इस प्रकार बांटे गए कि रवि को दो भाग राजू को तीन भाग तथा राय को पांच भाग मिले इस बंटवारे में प्रत्येक को कितना धन मिला तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्स मान के चलेंगे और यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ठीक है तो इसको आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए ठीक है यहाँ पर सेवेंटी टू यानी कि बहत्तर लिखे हैं दो गुड़े छत्तीस बराबर बहत्तर तीन गुड़े छत्तीस बराबर एक सौ आठ पाँच गुड़े छत्तीस एक सौ अस्सी ठीक है इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक पाँच एक संभा त्रिभुज में शीर्ष कोण चालीस है त्रिभुज के शेष कोणों की माप की याद कीजिए तो यहाँ पर आप इसका भी आंसर लिख लीजिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ गया है देखिए इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक छः तो प्रश्न क्रमांक छः में देखिए गोलू एक गाय दो हज़ार में खरीदी ठीक है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए इसके बाद में इसको अपने आप से सॉल्व कीजिए लेकिन इसका आंसर तो आपको यहाँ पर दिया गया है पूरा ठीक है तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है गोलू एक गाय दो हज़ार में खरीदे कर सोनू को पच्चीस परसेंट लाभ पर बेचता है यदि सोनू गाय को बाईस में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी यानी कि आपको क्या निकालना है लाभ और हानि तो देखिए ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खंडवा ठीक है प्रोजेक्ट कार्य तो यहाँ पर विद्यार्थी प्रति दिवस अपने पढ़ने के समय को निम्नांकित सारणी में लिखे एवं सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे ठीक है तो यहाँ पर आपको ये अपने अनुसार लिखना था इसके बाद मैं यहाँ पर इसके आंसर भी देना था कि विद्यार्थी द्वारा मंगलवार को कौन सा विषय सबसे अधिक पढ़ा गया तो यहाँ पर गणित इसका आंसर है क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है मंगलवार मंगलवार को क्या पढ़ा गया गणित यहाँ पर देखिए दो घंटे इसी प्रकार आपको ये लिखना है तो आप इसको भी लिख लीजिए और उपरोक्त आंकड़े का प्रयोग करके एक दंडालेख भी बनाना था तो ये आपका दंडालेख है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू